बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने कार्यों के लिए भी लगातार सुर्खियां बटोरते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भी वो खुलकर सामने आए और लगातार मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान के गैर लाभकारी संगठन मीर फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार को 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दान दिए। शाहरुख खान के इस दान के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने उनका शुक्रिया किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट करते लिखा कि हम शाहरुख खान और मीर फाउंडेशन के प्रति बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दान में दिए। ये दान उन्हें उस समय दिया गया है जब इसकी उनको बहुत जरूरत थी। संकट के समय में आपके द्वारा दिए गए समर्थन के लिए हम आपके आभारी हैं। बता दें, शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन की नींव साल 2013 में रखी थी। शाहरुख ने अपने माता पिता मीर ताज मोहम्मद खान के नाम पे इस संस्था का नाम दिया, जो कि एक अलाभकारी संस्था है और एसिड हमला पीड़ितों की बेहतरी के लिए काम करती है। किंग खान की ये संस्था पीड़ितों के उपचार को लेकर और उन्हें नौकरी की सुविधाएं दिलाने तक का प्रयास करती है। ये संस्था मूलभूत सुविधाओं से वंचित बच्चों की भी देखभाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।